स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रभाष्य वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः विधिर्विषयान् राष्ट्रभोगान् सविष्टान् पश्चाचान्यान् समतिविभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानीतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगण पात्मसो नमस्तुतीय आपस में विवाद के कारण ही वो निषेध हो जाता है। मतलब किसी भी प्रकार से सृष्टि की पारमार्थिक होना संभव नहीं है। वेदांत तो इसको विवर्तवाद मानते हैं। जिस प्रकार रज्जु को हम सर्प रूप में देखते हैं तो उस समय सर्प के रूप उत्पन्न नहीं होता, केवल हमारी प्रतीति मात्र है, जन्मांतरिक संस्कार से प्रतीति मात्र है। इसी प्रकार से इसको कथन करने के बाद तो ये बोले थे, देखो यदि तुम संसार को एक भाव वस्तु मानोगे और उसको अपराधी मानो तब वो अंत नहीं हो पाएगा, और मुक्ति यदि तुम शादी मानो तब वो क्या हो जाएगा, कभी अनंत नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से सिद्धांत ही तुम्हारा गलत हो जाएगा। यदि तुम मुक्ति को साधन के तरह साध्य मानोगे तो साधन के तरह साध्य होगा तो मुक्ति निश्चित अनित होगा। इस प्रकार से कथन करने के बाद कि पहले भी जो बोल करके आया कि आदावंती चजन नास्ति वर्तमाने की तथा, जो पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तो वर्तमान में भी वो है नहीं, केवल मात्र प्रतीति हो गया। वितथा वितथे सदृश संत और वितथा की वक्षित मिथ्य के समान होते हुए भी वो सत्य जैसा प्रतीति हो, वो सत्य जैसा प्रतीति होती है। केवल इतना ही नहीं, आप कैसे बोलते हो कि जागृत दृश्य मिथ्या है, सपने की वस्तु काम में नहीं आता इसीलिए मिथ्यावत जागृत वस्तु हमें काम में आता है। हाँ काम में आता है, जागृत का वस्तु आपका सपने में काम नहीं आता, सुषुप्ति में काम नहीं आता। इसीलिए जैसा स्वाप्निक वस्तु जागृत में काम नहीं आने के कारण स्वाप्निक वस्तु का मिथ्या बोलते हैं, इसी प्रकार जागृत के वस्तु भी स्वप्न में काम नहीं आता इसलिए जागृत वस्तु मिथ्या का लॉजिक समान है। सब प्रयोजनता तेषाम स्वाप, इसको जो है जागृत वस्तु को लेकर के बोल रहे हैं। आप इसको मुक्ति में घटाना है, मुक्ति यदि पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, वर्तमान में भी यदि मुक्ति को आप अनुभव करने का कोशिश करोगे एक प्रतीति मात्र प्रतिभाष मात्र होगा, पारमार्थिक बोध नहीं होगा और वो आपको मिथ्या होते हुए भी सत्य जैसे प्रतीति होगी। अच्छा, फिर जो मतलब अज्ञान काल में जो वस्तु हमारा प्रयोजन सिद्ध कर रहा था, मुक्ति काल में वो वस्तु हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। जिस प्रकार मुक्ति काल में मतलब जीवन मुक्त अवस्था में बाहरी वस्तु कुछ है अथवा नहीं है, इससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, शरीर अपना प्रारब्ध के अनुसार जैसा चलता चलता रहता है,
इसलिए आप बोलिए स्वप्रयोजनिता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते। स्वप्न मतलब जहाँ पे अन्यथा ग्रहण हो रहा है, अग्रहण के कारण जो अन्यथा ग्रहण हो रहा है अज्ञान काल में, वहाँ पे क्या होता है, वो जो है जिस वस्तु का हम स्वप्न काल अज्ञान काल में उपयोगी समझ रहे थे, ज्ञान काल में फिर उसको उपयोगिता नहीं रहेगा, है ना। तस्मात आत्मत्वेन मिथ्याय खलु स्मृतिः स्मृतिः, ये जो मुक्ति भी आदि अंत वाला होने के कारण उसको तुमको मिथ्या ही मानना पड़ेगा। इसको पट्टिका पढ़ लीजिए पूरा, 32 तो हो गया था, अब 33। इसलिए जिस हेतु से तुम स्वप्नों को मिथ्या कहते हो, तस् जागृत अभी तुल्यत्व जन्मतिरहित संपित मात्र तत्म इष्टव्यभि विवक्षित आह। सर्वे धर्मा उषा सर्वे कार्यक्षमदर्शनात् संवृते अस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः। तो जैसा कि स्वप्निक वस्तु क्या होता है, हमारा छोटे कमरे के अंदर हम सोते हैं और कमरे के अंदर मैं सोया हूँ वो और छोटा है, हमारे अंदर हृदय और हृदय के अंदर नाड़ी, उस नाड़ी के अंदर जीव गमन काल में कितना सूक्ष्म जगह है, वहाँ पर स्वप्न देखते हैं, वहाँ पर जाकर के उतना सूक्ष्म जगह में इतने बड़े बड़े चीज कहाँ दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अयुक्त स्थान होने के कारण स्वप्निक वस्तु मिथ्य है ऐसा कहा जाता है। काय शांत शरीर के अंदर दिखाई देने का स्वप्न भावा वितथा भवितुमरंत क्यों अंतर उपलभ्यमानत्वा दर्पणस्थ उपलभ्यमान नगर अधिवत, ठीक है, इति परिकल्पना लिए थे हमने, है ना, इति अनुमान मात्र सृष्टि, इस अनुमान को इसके द्वारा सूचित करना चाहते हैं कार्यकर्ता। क्यों बोलते हैं कि अस्मिन् समृद्धे अस्मिन् प्रदेशे, है ना, छोटा सा स्थान में, अरे विज्ञानवादी बौद्ध आप कहोगे कि जो एक विराट पुरुष, विराट पुरुष के शरीर के अंदर दिखाई देने के कारण यदि मिथ्या मान तो विराट पुरुष के शरीर के अंदर दिखाई देते हैं तो इसीलिए मिथ्या होगा, ठीक है, हम तो विराट पुरुष को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, तो विज्ञान को मानते हो, तो विज्ञान तुम्हारा कितना बड़ा है, विज्ञान की माप क्या है, तो उसके अंदर इतना बड़ा कैसे ढंग दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ भी जो है समृद्धि अस्मिन् प्रदेशे वही भूतानां दर्शनं करो, और अनुपयुक्त स्थान में भूतों के दर्शन कैसे हो सकते, यदि शरीर के अंदर दिखाई देने के कारण स्वप्न दृश्य वस्तु मिथ्या है ऐसे सभी वादी मानते हैं, तरी तब तो वैराज देहे सर्वस्य जागृतस्य दर्शनात् मिथ्यात्वं दुर्वारम् इति अर्थ, ठीक है, क्या हुआ कि यदि शरीर के अंदर दिखाई देने के कारण वो वस्तु को तुम मिथ्या मानते हो, ये सारा शरीर कहाँ दिखाई देता है, विराट पुरुष के शरीर के अंदर दिखाई दे तो मिथ्या ही होगा, इसलिए बोलता है तरी 6 नंबर टिप्पणी में, तरी देहांतर दर्शनस्य मिथ्यात्व प्रयोजकते, शरीर के अंदर दिखाई देना है यदि मिथ्यात्व के लिए प्रयोजक है, मतलब हेतु है, तब तो विराट के शरीर में दिखाई दे रहा है, तब तो ये मतलब मिथ्या हो ही जाएगा। तो बोलता है विराट को नहीं मानते, नहीं मानते तो विज्ञान को मानते हो, तो तुम्हारे विज्ञान कितना बड़ा है, तो अंतकरण अंतकरण में नहीं हो सकते हमारे सिद्धांत से कौन सा है, विराट पुरुष के शरीर में मत को तुम मानते नहीं हो, तो तुम्हारे विज्ञान कितना बड़ा है, वो भी तो छुपा ही है, इसलिए उसी का अंतर कैसे दिखाई देगा तुमको। बोलते तरी तरी मतलब देहांतर देहांतर दर्शन मिथ्यात्व प्रयोजक, शरीर के अंदर ही दर्शन वही मिथ्यात्व के लिए प्रयोजक है, मतलब जहाँ शरीर के अंदर दिखाई देगा जो वस्तु वही मिथ्या है, ऐसे प्रकार से हमारा व्याप्य दिखा रहा है, ये उसके हेतु है। तब तो क्या हो जाएगा सर्वस्व जागृत, क्योंकि जागृत काल में भी सभी वस्तु विराट विराट पुरुष के शरीर के अंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए वो भी मिथ्या होगा, दुर्वार है, निश्चित होगा, दुर्वारम मतलब देखिए बोलते हैं दुर्वारम जागृत प्रपंच मिथ्या भवितुम अर्हति विहात प्रतियमानत्वात् स्वप्न प्रपंचवत् इति अनुमेयम्। दुर्वार मतलब निश्चित हो जाएगा, क्यों, ये जागृत प्रपंच भी मिथ्या ही होना चाहिए, जागृत प्रपंच मिथ्या भवितुम अर्हति, जागृत प्रपंच भी मिथ्या ही होना चाहिए, क्यों, देहांत प्रतियमान शरीर के भीतर प्रतीति होने के कारण किसके शरीर में, विराट पुरुष के शरीर के अंदर प्रतीति हो रहे, इसीलिए बोलते हैं स्वप्न प्रपंचवत्, जब स्वप्न प्रपंच मिथ्या क्यों मानता हमारे शरीर के अंदर प्रतीति होती है, इसी प्रकार विराट पुरुष के शरीर के अंदर प्रतीति हो रहा है, इसलिए भी निश्चित मिथ्या होगा, जागृत वस्तु निश्चित मिथ्या होगा।
अच्छा फिर आपने क्या बोला कि किंच और भी देख लो टीका में योग्य देश वैधुर्यात मिथ्यात्म स्वप्नस्य यदि अभिष्टम तरी संवृत्ते प्रदेशे प्रत्येक भूते ब्रह्मणे अखंडे एक रसे अखंडे एक रसे भूतानाम विद्यमानानाम दर्शनम न कुतो अपि शय ब्रह्मण अनवकाशत्वात् इत्याह। और भी देखो अपने सापनिक वस्तु को मिथ्या क्यों बोलते हैं, योग्य देश से रहित होने के कारण सापनिक वस्तु मिथ्या है, योग्य देश से रहित होने का योग्य देश वैधुर्या जहाँ पे जो वस्तु होना चाहिए वहाँ पे नहीं होती हमें दिखाई दे रहा है, योग्य देश की विधुरता के कारण वो मिथ्यात्म स्वप्न से स्वप्न में मिथ्यात्म धर्म क्यों है कि योग्य देश में नहीं दिखाई पड़ते हैं। यदि अभिष्ट में तुम्हारा कहना है तरी समृद्धि प्रदेश प्रत्येक भूते है ना, आठ नंबर टिप्पणी मतलब नील अवकाश घन इति यावत, मतलब एक चैतन्य घन वस्तु है, चैतन्य घन वस्तु में विजातीय वस्तु कहाँ से आ जाएगा, एक ठोस वस्तु के अंदर अन्य वस्तु कहाँ से आ जाएगा, यदि वो दिखाई कुछ पड़ रहा है तो ठोस वस्तु उसी रूप में दिखाई पड़ रहा है, उससे फिर तो उसके अंदर घुसा हुआ कोई वस्तु तो नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि दही समृद्धि प्रदेशे प्रत्येक भूते ब्रह्मणि अखंड एक रस, सारा सप्तमी एक वचन है ना, समृद्धि मतलब सम्यक रूप से विद्यमान प्रदेश जहाँ पे दिखाई वहाँ है वो प्रत्येक भूते जो आपका इनर मोस्ट सेल्फ है, ब्रह्मणि जो आप जो व्यापक भी है वो कैसे है अखंड है एक रस, अखंड एक रस है, आप वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है भिन्न भिन्न रस दिखाई दे रहा है, खंड खंड भिन्न भिन्न रस दिखाई दे रहा है, ये कैसे होना संभव होगा। एक और जैसे भूतानाम विद्यमानानाम दर्शनम उसको विद्यमान वस्तु जो हमें दिखाई न कुत्ते वो शायद किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं है, क्यों ब्रह्मनो अनवकाशत्वात् ब्रह्म में इस प्रकार की वस्तु देखना संभव नहीं होने के कारण जब ब्रह्मनो जहाँ पे लगता है सृष्टि विभक्ति जनरली प्रयोग करते हैं ब्रह्मणि अनवकाशत्वात् स्वप्न विभक्ति अर्थ करना ब्रह्म में उस व्यापक निर्विशेष तत्व में इस प्रकार से जो है देखना संभव नहीं होने के कारण ठीक है। किंच जो आप क्या बोलते हैं जो वस्तु जिस स्थान में होना चाहिए वो यदि उससे होना संभव नहीं है इस प्रकार स्थान में दिखाई दे तो वस्तु मिथ्या है। तो किंच योग्य देश वैधुर्यात मिथ्यात्म स्वप्नस्य योग्य देश की विधुरता के कारण स्वप्न मिथ्या यदि यही तुम्हारा अभिष्ट है तरी संविते मतलब नील अवकाश घने इति यावत् जहाँ पे आठ नंबर टिप्पणी जहाँ पे ये होना संभव नहीं है घनीभूत वस्तु है प्रज्ञान घन एव जब घनीभूत वस्तु उसके अंदर कैसे हो एक लोहे की गेंद के अंदर यदि ठोस लोहे की गेंद है उसके अंदर कोई नहीं दिखा यदि प्रतीति हो रहा है मतलब बाहर है ऊपर से प्रतीति हो रहा है जागृत प्रपंच मिथ्या जागृत प्रपंच पक्ष हो गया है ना ये मिथ्या होना चाहिए क्यों योग्य देश वैधुर्या जिस स्थान में होना चाहिए उस स्थान से रहित होने के कारण स्वप्न प्रपंच व जैसे स्वप्निक प्रपंच स्वप्न प्रपंच आप बोलेंगे जागृत प्रपंच किस स्थान होना चाहिए आप खुला जगह में होना चाहिए आप ठोस वस्तु के अंदर दिखाई दे रहे एक क्योंकि हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं प्रज्ञान घन चेतनता से भरा ठोस वस्तु है आत्मा मतलब विज्ञानवादी बोलते बोलते हैं विज्ञान है परंतु उतना तो छोटा जगह है तो ठोस एक भरा उसको यदि आत्मा मानोगे आत्मा भी एक एक रस घनीभूत वस्तु है तो उसके अंदर कहाँ से हो पाएगा। इसलिए योग्य देश में नहीं होने के कारण स्वप्निक प्रपंच की तरह जागृत प्रपंच भी मिथ्या ही मानना चाहिए, योग्य देश में नहीं होने के कारण स्वप्न प्रपंच की तरह जागृत प्रपंच को भी मिथ्या मानना चाहिए। यहाँ पे जागृत प्रपंच हो गया पक्ष मिथ्या हो गया मिथ्यात्व हो गया साध्य योग्य देश वैधुर्यात ये हो गया हेतु और स्वप्न प्रपंच वत हो गया दृष्टांत इति अभिनियम ये समाधान चाहिए। देखो दृष्टांत में आपका हेतु और साध्य बैठा हुआ है स्वप्न प्रपंच बस स्वप्न प्रपंच में जो योग्यदेश वैधुर्य भी है और वहाँ पे जो है मिथ्यात्व भी हम मानते हैं तो हेतु और साध्य क्या है हेतु क्या मिथ्यात्व ना मिथ्यात्व ना मिथ्य हेतु नहीं है मिथ्या साध्य है हेतु हमेशा पंचमी में होगा योग्यदेश वैधुर्य योग्यदेश वैधुर्य हो गया हेतु और मिथ्या हो गया साध्य पंचमी विभक्ति का प्रयोग ही होता है
तृतीय भी कहीं कहीं होता है, परंतु जनरल पंचमी होते हैं। अपादान पंचमी, पंचमी हेतु अर्थ पंचमी। अपादान का मतलब एक जगह से अलग अलग होना, एक जगह से अलग होना, जिसको होता है अपादान। नगरात आगच्छामी, अधिकरण जिसके ऊपर रखा जाता है, अधिकरण जिसको अधिष्ठान को अधिकरण, अधिष्ठान जो अभी अधिकरण का जिसके ऊपर है उसको उसका अधिकरण बोलते हैं। सो अधिकरण सप्तमी, जहाँ पे कोई वस्तु है उस अर्थ में सप्तमी। जैसे हेतु ऑलवेज पंचमी होगा, ऐसे पक्ष साध्य दृष्टांत तो इसमें ऐसे कोई रूल है ये ऑलवेज द्वितीय होगा? पक्ष हमेशा प्रथम अभिभूति में होगा, और जो साध्य होगा वो भी जो उसका विशेषण होता है, पक्ष का विशेषण होता है साध्य। धूम वाला पहाड़, तो पहाड़ जिस विभक्ति में होगा धूम अलग उस विभक्ति में होता है, तो वो भी प्रथम, वो भी यहाँ प्रथम विभक्ति। इसीलिए देखिए जागृत प्रपंच मिथ्या, ठीक है ना, दोनों प्रथम है। और योग्य देश वैधुर्या हो गया पंचमी, स्वप्न प्रपंच वे दृष्टान्त प्रथम विभक्ति इसके समान। स्वप्न प्रपंच में आपका योग्य देश वैधुर्यता बैठा हुआ है और मिथ्यात्व भी बैठा हुआ है, ठीक है। और जागृत प्रपंच में योग्य देश वैधुर्य बैठा हुआ है, पर वो भी मिथ्या होगा, है ना। योग्य देश वैधुर्य मतलब हमारे देखिए स्वप्न में जो क्या है छोटे स्थान में दिखाई दे रहा है, और मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम दृष्टांत मुक्ति के लिए जहाँ पे खटा रहे वहाँ पे क्या है कि हमें शास्त्र बोलते हैं बाहर से प्रज्ञान खाने अखंड चैतन्यमय वस्तु है, उसमें कोई विकार होना संभव नहीं, और वहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसलिए वो बाहरी प्रपंच के लिए जो दुष्ट नहीं है वो प्रतीति मात्र है। एक मैं दृष्टांत एक ठोस लोहे की गेंद के अंदर यदि कोई आपको वस्तु दिखाई दे रहा है वो प्रतीति मात्र है, वो उसका अंदर नहीं है बाहर ही है, उसके साथ उसका संबंध नहीं है, यही अर्थ है। अवतारित श्लोक संहितानाम उत्तर श्लोकानाम जात्याभाषम इति अस्मा प्राप्तनानाम तात्पर्यम आह। अब देखिए ये अवतारित श्लोक मतलब जिस श्लोक को लेकर हम पढ़ रहे हैं, ये श्लोक कौन सा, सर्वधर्म प्रदर्शित अभिप्राय अवतारित मतलब प्रदर्शित 9 नंबर टिप्पणी में, है ना, जब जिस प्रदर्शित अभिप्राय में कह रहे हैं मतलब जागृत प्रपंच सारा मिथ्या है उसको निश्चय करने के लिए। अवतारित श्लोक को सहितानाम इंक्लूडिंग दिस वर्स, अवतारित श्लोक सहितानाम उत्तर श्लोकानाम आगे के श्लोकों का, आगे के श्लोक का कहाँ तक, जात्याभाषम इति अस्मात् प्राक्तनानाम अप टू 44 नंबर वर्ष, देखिए 44 नंबर वर्ष। जात्याभाषम च लाभाषम मिला 44 है, जात्याभाषम च लाभाषम वस्तु भाषम तथैव च 45 है, हाँ 45 पेज 245 पेज, हाँ। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक कि सभी श्लोकों का यहाँ से लेकर मतलब राइट फ्रॉम द 33 और लेके 45 तक श्लोक जो है ये मतलब संसार के मिथ्यात्व को प्रतिपादन करने के लिए आया हुआ है, वहाँ पे जाके इसको प्रश्न करें। इसको बोलते हैं कि अवतारित श्लोक संहिताना, जिस श्लोक को लेकर भी हम लोग विचार कर रहे हैं इंक्लूडिंग दिस वर्स उत्तर श्लोकाना आगे आने वाले श्लोकों का, कहाँ तक वो है, जात्याभाषम इति अस्मात् प्राक्तनानाम, जात्याभाषम इसके पहले तक मतलब नॉट इंक्लूडिंग, वो जात्याभाषम एक्सक्लूडिंग यहाँ तक 44 तक होगा, हाँ ये 44 इसलिए मैं 44 तक बोल रहा था, जात्याभाषम 45 है यानी कि अप टू 44, ठीक है 44 तो क्या हो जाएगा वो तात्पर्य, श्लोक का तात्पर्य को भाष्यकार बोलते हैं, जगत का मिथ्यात्व प्रमाण कर, हाँ अभी प्रश्न बोलते हैं जो तात्पर्य तो दिखाने के लिए बोलते हैं, वो जो भाष्यकार में आ जाए, भाष्य में आ जाइए, निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूत दर्शन, ये जो कहकर क्या था ना, निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् युक्ति दर्शन बोला था, और वेदांति क्या बोलता है, निमित्तस्य जो आभारी वस्तु होना चाहिए बुद्धि में अलग अलग वस्तु का ज्ञान होने के कारण, तब बोलता है ये जो है भूत दर्शन, ठीक ठीक देखना सीखोगे तब आपको क्या हो जाएगा, बाहरी अनेक वस्तु नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार घट के द्वारा बने हुए अनेक जो उपकरण हैं, मृतिका के द्वारा बने हुए अनेक जो उपकरण हैं, मतलब स्टील के द्वारा बने हुए अनेक जो उपकरण हैं, तो आपको उपकरण दृष्टि से देखोगे तो अनेक दिखेगा, और जब स्टील दृष्टि से देखोगे एक,
ठीक है, ये वस्तु भूत दर्शन, ये हो गया भूत दर्शन, एक हो गया व्यवहारिक दर्शन, भूत यथार्थ दर्शन से आपको एकत्र दर्शन होगा और व्यवहारिक दर्शन से आपको अनेक दर्शन होगा। निमित्त जो आपको लग रहा है बाहरी वस्तु नहीं हो तो कैसे काम कैसे चलेगा, अथवा बाहरी वस्तु नहीं तो अलग अलग ज्ञान कैसे होता है, तब बोलते हैं यदि तुम जो यथार्थ दर्शन होता है तो वो जो निमित्त आपको दिखाई दे रहा है वो निमित्त अनिमित्त हो जाएगा, प्रतिभास मात्र ही है। इसलिए निमित्त से अनिमित्तत्व इष्यते भूत दर्शन यथार्थ दर्शन इति अयम अर्थ, इस विषय को ही प्रपंच विस्तार किया जाता है एते श्लोके, इन श्लोकों के द्वारा, मतलब 33-44 ठीक है, इन श्लोक के द्वारा। यहाँ पे देखिए दो नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है, अर्थ बाह्यार्थ सत्य अभाव, क्या विषय है यहाँ पे, बाहरी वस्तु प्रकृति होने पर जो वहाँ पे सत्यत्व नहीं है, सत्य अभाव उसकी विद्यमान है, कहा बाह्यार्थ सत्व अभाव रूप विषय, अर्थ मतलब विषय यहाँ पे, इस श्लोक के द्वारा क्या प्रतिपादन करना चाहते हैं, बाहरी वस्तु सत्य नहीं है। तो जैसा आपको दो हेतु दिया कि एक हो गया कि जागृत के वस्तु स्वप्न में काम में नहीं आता, ठीक इसी प्रकार कि मतलब ज्ञान अवस्था में जो है अज्ञान दशा की वस्तु काम में नहीं आता, इसीलिए सपने भी प्रयोग करते हैं, अथवा ज्ञान अवस्था में जो वस्तु है वो जो है हमारे व्यवहारिक दशा में काम नहीं आता, व्यवहार तो भेद से होता है, एक हेतु दूसरा। दूसरा क्या है, सपने वस्तु मिथ्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि यथार्थ देश में नहीं दिखाई देने का कारण, समृद्ध संकुचित देश में और अनुचित देश में दिखाई देने के कारण वो सांप्रामिक वस्तु मिथ्या होते हैं, शरीर के अंदर दिखाई देने के कारण सांप्रामिक वस्तु मिथ्या होते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी विराट शरीर के अंदर दिखाई देने के कारण और अनुचित देश में प्रज्ञान घन ठोस वस्तु में आपको टुकड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा है, होना संभव नहीं है, इसलिए प्रतीति मात्र है पारमार्थिक में, ठीक है। दो हेतु हो गया, अब थर्ड है, थर्ड क्या होता है कि जिस वस्तु को आपने सुना था पहले हम लोगों ने विचार किया, देश अन्य देश में जा करके देखना, अन्य देश में जा करके यहाँ भी देखना, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे बैठ करके स्वप्न देख रहे हैं कि मैं मुंबई में अथवा नर्मदा किनारे घूम रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार, परंतु जब जगूंगा तो क्या हो जाएगा, यहीं पे मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, हम अज्ञान के कारण, स्वरूप के अज्ञान के कारण हम शरीर में घूम रहे हैं, ठीक है ना, जब ज्ञान हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो जगने पर जिस देश में मैं अपने को देख रहा था उस देश में मैं नहीं रहता हूँ, इसलिए स्वप्न मिथ्या है। क्या बोला मैं, युक्ति को पहले ऊपर से समझ लें, शब्द तो बाद में समझेंगे। जगने पर जिस देश में स्वप्न में मैं अपने को देख रहा था, जगने पर मैं अपने को उस देश में नहीं पाता हूँ, इसलिए स्वप्न वस्तु मिथ्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाइए, मुक्ति में लगाइए, अभी जगने पर आत्मज्ञान हो जाने पर, आत्मा के प्रति जगने पर मैं अपने को शरीर देश में नहीं पाता हूं, इसलिए शरीर में, ठीक। कितना देखिए, एक ही स्वप्न दृष्टांत के आधार पर कितना सुंदर समझाया इस चीज को, इस समय आपको स्वरूप का बोध हो जाएगा, स्वरूप के प्रति आपकी जागृति हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, स्वप्न में दिखाई दे रहा है इस शरीर के साथ आपका तादात्म्य का व्यवहार नहीं होगा, उसको चिंता नहीं होगी, ठीक है, इसी को देखो बोल रहे हैं। एक दूसरी बात है, अब एक करके नेक्स्ट इसको समझ लेना चाहिए। आज आप जागृत स्वप्न अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, हम दो ब्रह्मचर्य मिले, देखो भाई मैं बंधन में हूँ, मैं उत्तरकाशी में वहाँ पर गया था, बहुत एक अच्छे गुरु जी है, अच्छा वेदांत पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर वेदांत सुनने से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ये सारा विचार किया, विचार करने से देखो स्वप्न काल में मैं आपको कल रात को मिला था, हम लोग दोनों को गप लगा रहे थे, हमको मिला, आज सुबह आकर मैं आपको पूछता हूँ, अजी कल रात को हम लोग मिले थे कि नहीं, क्या बोलेंगे,
कहाँ गया? ठीक ऐसा ही जब आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तब मेरे को गुरु जी मिला था, मैं गुरु जी से पढ़ा था, ये सब हो रहा था, ये कहाँ गया? एक आत्मा ही तो मात्र है, आत्माभिन्न कुछ नहीं है। तब तो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं गुरु ने वशिष्ठम चिदानंद शिव, एक पहले क्या लिखते हैं मनुष्चन्द्र लग्नम गुरु रंगे पद में तथक किम तथक किम तथक, बाद में क्या बोलते हैं न बंधु न मित्र गुरु ने वशिष्य चिदानंद शिव। इसलिए मतलब क्या है, स्वप्न काल में जैसा हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार को उस समय सत्य लगता है, परंतु जगने के बाद वो व्यवहार स्वयं हम मिथ्या मानते हैं, क्योंकि वो तो होना संभव ही नहीं है, कल्पना ही था। ये दो प्रकरण से भी ये बंध मोक्ष को नहीं मिथ्या है, बंध मोक्ष को नहीं मिथ्या है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारी बुद्धि को दृढ़ करने के लिए कितना सुंदर देखिए, एक एक छोटा छोटा करके समझा रहे कि देखो कैसे जगत मिथ्या, तो सारा व्यवहार की मिथ्या तो कैसे निश्चय करोगे। तो देखिए उक्तम एवं अर्थम प्रपंच, भगवान भाष्यकर एक ही जगह में बोल दिया, क्या बोल दिया था कि निमित्तस्य अनिमित्तत्वम इष्यते भूत दर्शन, तो ये भूत दर्शन को ही देखा, यथार्थ विचार करना सीखो, यथार्थ विचार करना सीखो। इसलिए बोलते हैं उक्तम एवं अर्थम प्रपंच, ये दोनों अर्थ मतलब जागृत प्रपंच मिथ्यात्व रूपम अर्थम, ठीक है ना। दो नंबर टिप्पणी, जागृत प्रपंच भी मिथ्या है, इसको निश्चय कैसे करोगे आप, इसको निश्चय कैसे करोगे? विवेक चुनावी में तो भगवान भाष्यकर सीधा बोलते थे प्रपंच प्रपंच बोलते, प्रपंच किसका है यार, सोचो इस चीज़ को, जिस चीज़ को आपने मिथ्या निश्चय किया उसका कहाँ से प्रपंच हुआ, ये सब कल्पना ही है, ठीक है। अज्ञान दशा में इसको मान करके चल डाला है, ज्ञान के बाद अब स्वयं निश्चय करोगे, ये सब कुछ नहीं। विवेक चुनावी यही बोलते हैं, ये आपने देखिए उक्तम एवं अर्थम प्रपंच यदि, तो श्लोक में आ रही प्रतिबुद्धश्च वै सर्व तस्मिन् देशे न विद्यते नैरुक्तं दर्शनं गत्वा कालस्य नियमागतौ प्रतियुद्धश्च वै सर्व तस्मिन् देशे न विद्यते। ये श्लोक सेकंड लाइन तो बिल्कुल एक ही है, ये दो की दो नंबर श्लोक देखिए, द्वितीय मतलब वैतत्व प्रकरण के द्वितीय नंबर श्लोक को देखिए, क्या बोलता है, इसीलिए वहां भी ऐसे ही बोला, शब्द थोड़ा भिन्न है, मतलब दूसरा देश में जाकर के वो शब्द देखते हैं ऐसा बात नहीं है, क्योंकि न युक्तम दर्शनम गत्ता कालस अनियमा गतो, क्योंकि उस देश में जाने के लिए जितना समय चाहिए उतना सोने के बाद उतना समय बिताया ही नहीं हमने, हम लोग वहाँ से पहुँच गए, इसीलिए दूसरी जगह पे जाकर के स्वप्न देखता है, ये कहना युक्तिसंगत नहीं है। क्यों? क्योंकि जगने पर वो उस देश में वो प्राप्त को प्राप्त तो नहीं करता, जगने पर मैं यहाँ से सोते के दो मिनट के समय में मुंबई में पहुँच गया, अचानक किसी ने नींद खोल दिया हमारा, धक्का मार करके मेरे को अपने को बॉम्बे देश में मिलेगा, बॉम्बे अथवा कहा नहीं मिलेगा, जहाँ पे सोया तो वहीं पर मिलेगा। इसीलिए भी दूर देश में जा करके अभिप्राय क्या है कि आत्मज्ञान के लिए कोई बाहर देश में जाना नहीं पड़ेगा, है ना, दूर देश जाना और कितना समय लगेगा वो भी कोई निश्चय नहीं है, एक क्षण में ज्ञान होता है, जैसे एक क्षण में आप पहुँच जाते एक क्षण में ही ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं बाहर दूर देश में जाना नहीं होता, और दूर देश में गया नहीं कैसे आपको पता लगेगा, क्योंकि इसी शरीर में ही आपका आत्मबुद्ध हो रहा है, इसी बोलते प्रतिबुद्ध सभी सर्वम तस्मिन देशे न विद्यते, जगने के बाद वो आपने को जिस देश में गया था देखा हुआ है उस देश उसको नहीं मिलता उस देश में। तो आप देखिए क्या हो, मतलब जब अपने आत्मा के प्रति जगने के बाद वो अपने को पहले जिस देश में देख रहा था स्वप्न काल में मनुष्य शरीर में हो, वो अपने को फिर उसको उस शरीर में नहीं मिलता, उस शरीर से क्या अद्भुत सिद्धांत देखिए यहाँ पे, क्या क्या आप स्वप्नों के साथ मिला करके सोचिए इस चीज़ को, जगने के बाद वो व्यक्ति जिस देश में स्वप्न देख रहा था उस देश में उसको नहीं मिलता,
मैं उत्तरकाश में सो करके बॉम्बे का दिल्ली का कहीं का सपना देख रहा हूँ, जगने के बाद मेरे को उत्तरकाश मिले, ठीक है। ठीक इसी प्रकार स्वप्न काल में मैं इस शरीर में बैठ करके व्यवहार कर रहा था, इसे नहीं तो माया निद्रा स्वप्न में आप जब जब जाग गया माया नित्र स्वप्न में से जब आप जग जाएंगे इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, जब अपने अपने प्रति जग जाएंगे तब आपको इस देश में नहीं मिलेगा अथवा आप एक देश परिच्छिन्न वस्तु ऐसा नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ इस देश में नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे भागना नहीं है, थोड़ा बैठ करके अपने आप सोचना क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, तब जा करके आपको समझ में आ जाएगा क्या कितना सूक्ष्म वस्तु यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर इन स्वप्न में तो आसान है परंतु इस मुक्ति अवस्था में क्या होगा, जब बंध और मुक्ति में कैसे घटाएंगे आप इसको, बंध और मुक्ति में कैसे घटाएंगे आप इसको, वो थोड़ा समझना ठीक है। इसलिए कि क्या बोला कि न युक्तम दर्शनम गत्ता कालस्य अनियमात गतो, दूसरे देश में जा करके वो दर्शन किया ये कहना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय आपने स्वप्न में नहीं बिताया, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, प्रतिबुद्ध सर्व, और जो जगने वाला व्यक्ति वो क्या है, जो भी वस्तु को देखा था तस्मिन देशे न विद्यते, अपने को उस देश में वो नहीं मिलता, अपने को उस देश में नहीं पाता, वो जगने के बाद वो व्यक्ति अपने को उस देश में नहीं पाता जिस देश में स्वप्न दिखाई दे रहा था उसको, जहाँ पे सोया हुआ था वहाँ पे पाते। देखिए इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे, अब फिर टीका में आ जाएंगे, स्वप्ने देशांतर गतो नियत काल अभावात न गत्वा दर्शनम इष्टम तथा मरणात ऊर्ध्वम अर्चिरादि मार्गेण गत्वा ब्रह्म दर्शनम अयुक्तम काल मानव छिन्नवादी अर्थ। क्या अद्भुत शब्द बोला, ये जो आप लोकांतर में कालांतर में जाकर ब्रह्म प्राप्त करोगे, क्या ब्रह्म कोई परिच्छिन्न वस्तु है, ये तो आप पहले कहेंगे कि ब्रह्म व्यापक है और फिर क्या कहोगे लोकांतर में कालांतर में प्राप्त करोगे ये ब्रह्म का, ये उपासना से मानते हैं, मैं तो पहले बोला उपासना से कथर्म जाते ब्रह्म निवर्तते कालांतर में लोकांतर में जाकर ब्रह्म प्राप्त करेंगे, ये भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अकाल के तरह अवच्छिन्न है ना, काल अवच्छिन्नता देश अवच्छिन्नता वस्तु परिच्छिन्नता जब नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ जाने की आवश्यकता है, इसलिए वहाँ जा करके दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। नुक्तम गत्वा दर्शनम कस्मा ब्रह्म सर्वव्यापक, ठीक है ना, ये यही जाते हैं फिर हम इसलिए बोलते हैं स्वप्ने देशांतर गतौ नियत काल अभावात, ये तीन नंबर टिप्पणी, स्वप्न में जो देशांतर में जा करके जाने के लिए जो समय चाहिए उस काल के अभाव होने के कारण न गत्वा दर्शनम इष्टम, वहाँ पे जा करके दर्शन किया ये हमारा अभिष्ट नहीं है। तीन नंबर टिप्पणी, नियता इति स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृष्ट पदार्थ वत देश देश गमना अभाववान, ठीक से देखना, स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृष्ट पदार्थ वत देश गमन अभाववान अभाववान तद गमन उचित काल अभावत्वात् अद्य वाराणसी गमन अभाववत् देवदत्तवत् देवदत्तवत् इति अत्र विवक्षित प्रयोग। टीकाकार तो सरल भाषा में लिखा, टिप्पणी करके शब्द तो ज्यादा कठिन समझ जाएगा। देखिए स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न दृष्ट पदार्थवत देश गमन अभाववान, स्वप्न में दिखाई दिया जो वस्तु वो वस्तु जिस देश में है, मतलब यहाँ पे स्वप्न दृष्ट पदार्थवत स्वप्न दृष्ट पदार्थ वाला यहाँ पे बात मतलब जैसा नहीं है वाला, स्वप्न दृष्ट पदार्थ वाला जो देश है उस देश की अभाव वाला है, अभाववान कौन, स्वप्न दृष्टा, देखो स्वप्न दृष्टा प्रथम एक वचन में पक्ष है, ठीक है, साध्य भी पक्ष के समान एक ही विभक्ति वचन में होगा, साध्य क्या हो गया, स्वप्न दृष्ट पदार्थवत देश गमन अभाववान, स्वप्न जिस देश में आपने देख रहे हैं उस देश की अभाव वाला है कौन, स्वप्न दृष्टा उस देश की अभाव वाला है, वो देश में पहुंचा नहीं है, ठीक है। स्वप्न दृष्ट पदार्थ व स्वप्न में दिखाई दिया जो पदार्थ, वो पदार्थ जिस देश में वो दिखाई दे रहा है वो उस देश वाला नहीं है कौन, स्वप्न दृष्टा वो उस देश वाला नहीं है,
फल क्या हो गया, तद गत्यु तद गमन हेतु तद गमन उचित काल अभाव वत्वा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जितना समय चाहिए था उस समय की अभाव वाला होने के कारण देवी पंचमी में है। पंचमी है तो आप जैसे रामनाथ हमेशा ये पंचमी विभक्त है, तद गमन उचित काल अभाव वत्वा दृष्टांत भी कितना सुंदर दिया, अद्य वाराणसी गमन अभाववत, आज मैं वाराणसी गमन अभाव वाला देवदत्त के यहाँ पे, तो पहला बात हो गया मतु अर्थ, दूसरा बात हो गया सिमिली अर्थ में, इस प्रकार आज मैं ऋषिकेश जाने वाला नहीं हूँ, इस प्रकार मेरे की मेरे समान ऋषिकेश मतलब वाराणसी गमन अभाववत, वाराणसी गमन के अभाव वाला देवदत्त के समान, यदि अर्थ संबद का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो अर्थ नहीं लगा पाएंगे, वाराणसी गमन की अभाव वाला देवदत्त के समान, देवदत्त क्या दिखाई दे रहा है, मैं वाराणसी की वस्तु दिखाई दे रहा है, वाराणसी में नहीं हूँ, ये दृष्टांत दिया। तो वाराणसी गमन अभाव वत पहला बात हो गया वाला, और दूसरा बात हो गया समान, उसका समान लाइक दिस इति अर्थ विवक्षित प्रयोग, यहाँ पे इस प्रकार अनुमान समझ लेना चाहिए। तो देखिए अनुमान में पक्ष क्या है, यहाँ पे स्वप्न दुष्ट जो पदार्थ है वो पदार्थ जिस देश वाला है वो अपने आप उस देश वाला नहीं है, वो अपने आप उस देश वाला नहीं है, ठीक है ना, ये साध्य है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि तद गमन उचित काल अभाव वत्त, वहाँ पे पहुँचने के लिए जितना समय चाहिए था उस समय के अभाव वाला होने के कारण उस समय उसको नहीं मिला, ये हो गया हेतु। दृष्टांत क्या दे रहा है, वाराणसी गमन अभाववत देवदत्तवत, वाराणसी गमन की अभाव वाला देवदत्त के समान, वाराणसी गमन के अभाव वाला देवदत्त, जो देवदत्त वाराणसी नहीं 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 गया है, सो कौन रहा है देवदत्त, सो रहा है कौन, स्वप्न कौन देख रहा है देवदत्त, कोई भी हो ना स्वप्न दृष्ट, कोई भी स्वप्न दृष्ट पुरुष, देवदत्त सो रहे नहीं बोल रहे, कोई भी स्वप्न दृष्ट हो सकता है, कोई भी स्वप्न दृष्टांत तो यही है, जिस प्रकार मैं सोच रहा हूँ कि मैं बनारस बैठ के सोच के बनारस जाकर देखूंगा बनारस ही करो, मतलब वाराणस नहीं पहुँचा, देवदत्त एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बनारस में जाकर के सब देखूंगा करूंगा, परंतु बनारस में नहीं पहुँचा, जैसा इसीलिए ऐसा ही वो वस्तु वो जानता है कि कल्पित है, मन में बैठ के कल्पना कर रहा है, मैं तो जानता है वो नहीं पहुँच पा, ठीक इसी प्रकार स्वप्न दृष्टा, मैं तो जो कल्पना करने वाला व्यक्ति उस समय मनोकल्पित वस्तु समय उस समय समझ में आता है उसको, मैं तो स्वप्न दृष्टा को समझ में नहीं आता, इतना भिन्न एक ये हो गया कल्पना और वो हो गया स्वप्न दृष्टा, एक हो गया कल्पना करने वाला पुरुष कौन देवदत्त, अपने मन से सोच रहा है इस प्रकार कल्पित वस्तु उसके सामने नहीं है, कल्पना कर रहे हैं सच नहीं है, देवदत्त जगते हुए कल्पना कर रहे हैं, देवदत्त जग करके कल्पना कर रहे हैं, तो परंतु उसके पास उस अपने वस्तु को कल्पित वस्तु नहीं है, इसी प्रकार स्वप्न में देखने वाला वस्तु स्वप्न देखकर सामने एक वस्तु उसके पास नहीं होता है, क्योंकि उचित काल की अभाव है, हम यहाँ जाकर अपने बैठ करके कल्पना कर रहे हैं कि मैं अमेरिका पहुँच गया, पहला बात वाला जैसे धनवान धनवत श्रीमत धन श्री वाला धन वाला, इसलिए वाराणसी गमन अभाव वाला देवदत्त के समान पहले पहला वाला बात वाला और दूसरा वाला का इसके समान, देखो यहाँ पे दृष्टता शब्द को देखो, स्वप्न दृष्ट पदार्थ पदार्थवत स्वप्न दृष्ट पदार्थ वाला, यहाँ पे पहला बात पहलेगा स्वप्न दृष्ट पदार्थ वाला जो देश है, मतलब जिस देश में आपको स्वप्न वस्तु देख रहे हैं उस देश में गमन करने वाला आप नहीं है, इसलिए बोलता है तद्देश गमन बत देश गमन अभाववान, ये जो मान यहाँ पे मान देखिए बत का पहला प्रथम एक वचन है, ये जैसे भगवत शब्द का प्रथम एक वचन क्या होगा भगवान, ये प्रथम एक वचन प्रथम कौन है स्वप्न दृष्ट प्रथम एक वचन है, ये पूरा एक समास पद है, स्वप्न दृष्ट पदार्थ बत देश गमन अभाववान तद गमन क्यों अभी तो क्या दिया, क्योंकि वहां तक गमन करने के लिए जितना काल चाहिए था उस काल के अभाव वाला होने के कारण, महाराज हेतु छोड़ के पक्ष साध्य दृष्टांत सभी प्रथमा विभक्ति
हाँ, हेतु छोड़ करके पक्ष साध्य दृष्टांत प्रथम में हो गए। और साध्य ऑलवेज विशेषण साध्य विशेषण होगा, पक्ष का विशेषण होगा साध्य, विशेष विशेषण भाव कहीं पे बोलते हैं, पक्ष हो गया विशेष, साध्य हो गया विशेषण, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं पर ऐसा मिलेगा विश्व में, तब आप समझना कि विशेष हो गया पक्ष, विशेषण हो गया साध्य। तो यहाँ पे बोलते हैं स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृष्ट पदार्थवत देश गमन अभाववान तद गमन उचित काल अभाववत्वा अद्द वाराणसी गमन अवश्य, आज मैं वाराणसी जाऊँगा स्वप्न नहीं जाने वाला देवदत्त के समान है ना, विवक्षित प्रति यहाँ का अभिप्रेत प्रयोग है। टिप्पणी छोड़ा नहीं, मैं पढ़ा था जागृत प्रपंच मिथ्यात्व रूपा, मुझे विषय अर्थ बोला ना वहाँ पे, अर्थ अर्थ शब्द का क्या अर्थ हो गया, मतलब जागृत प्रपंच मिथ्या इस विषय को लेकर के ही क्या बोला वहाँ पे, निमित्तस्यानिमित्तत्वम् इष्यते भूत दर्शन विषय का प्रपंच और इसी का विस्तार हो रहा है, मतलब जागृत प्रपंच मिथ्या है उसको समझाने के लिए इसको बोल रहे हैं। अच्छा ये हो गया, फिर तथा अब यहाँ पे क्या बोला, जिस प्रकार सापने वस्तु को वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या होता है, अब यहाँ विश्रुति क्या बोलती है, जावत छिपित मन, वो जैसे ही मन को एक क्षण में मन जो है ब्रह्म लोक पहुँच जाता है, इतने समय में जल्दी में जो है वहाँ पहुँच जाता है। और इधर क्या बोलते हैं, देखो शास्त्र को अपना आक्षेप नहीं कर रहे हैं, बहुत पता चल पढ़ने के बाद इस विचार दृष्टि को खोलो, शास्त्र क्या बोलते हैं, इस शरीर छूटने के बाद आपको यदि आपको ब्रह्मलोक जाना होगा तो क्या हो जाएगा, अग्नि की अभिमानी देवता पकड़ेगा, अग्नि की अभिमानी देवता आपको दिन की अभिमानी देवता को देगा, दिन की अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष की अभिमानी देवता को देगा, शुक्ल का अभिमानी देवता आपको उत्तरायण की देवता, फिर संवत्सर की देवता, फिर आपका वायु देवता, आदित्य देवता, चंद्र देवता, वरुण देवता, फिर विद्युत लोक, एक के बाद एक देवता को ट्रांसफर करते हुए जाकर के फिर विद्युत लोक अमानव पुरुष आकर के आपको ब्रह्मलोक पहुँच जाएंगे। और इधर बोल रहे जावत छिपित मन तावत, एक क्षण में वहाँ पहुँच जाता है, इतने देवताओं के द्वारा ट्रांसफर होते हुए एक क्षण में मस्त हो, ये उचित काल नहीं है। कितना भी स्पीड हो मैं ये बोलता हूँ ठीक है, अब दूसरी बात क्या, जिस ब्रह्म को आप प्राप्त करना चाहते हो वो ब्रह्म तो व्यापक ब्रह्म है, उसके लिए काल की आवश्यकता क्या है, तो उसी समय प्राप्त हो जाता है, परंतु ब्रह्म लोक देखिए ये जो ब्रह्म जो है ना, जो सगुण ब्रह्म है वो क्या है कि व्यष्टि रूपी है समष्टि रूपी है, सगुण ब्रह्म व्यष्टि रूपी है, जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं परंतु पूरा भारत उनका क्षेत्र है, इसी प्रकार ब्रह्मा जी जो अभी समय हिरण्यगर्भपद में बैठा हुआ है उनका अपना एक लोक भी है और वो सारा विश्व को चलाने वाला है। ये जब विश्व को मान्यता दोगे, अपना लोक मान्यता दोगे तब है, जब ये सारा ही हमारा कल्पना है व्यापक तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए फिर काल की गति, काल की गति या गति इसका क्या आवश्यकता है, ये यहाँ पे मानव को कार्य का करके कहना है। दूसरे बोलते हैं तथा मरणात ऊर्धम अर्चिरादि मार्गेण है ना, अर्चिरादि मार्ग मतलब अग्नि की देवता दिन के देवता मार्ग के द्वारा गत्ता वहाँ पे जा करके ब्रह्म दर्शन अभिभूतम, फिर वहाँ पे जा करके ब्रह्म को दर्शन करना, ये युक्ति संगत नहीं है, अभिप्राय क्या है, अरे ज्ञान प्राप्त करो यहीं पर ब्रह्म दर्शन करो, वहाँ जाने की आवश्यकता क्या है, ये अज्ञानी के लिए बोल रहे हैं, परंतु अज्ञानी के बोल रहे हैं कि अज्ञानी चाहे आप अज्ञान दशा में देख रहे हैं परंतु जिस प्रकार अज्ञान दशा में हम सर्प को देख रहे हैं परंतु यथार्थ दर्शन नहीं है, नहीं देखा मैंने उसको इतना ही, तुमने ठीक से देखा ही नहीं उसको, इसलिए तुम कैसा लगता है, काल और अवच्छिन्नत्व आदि ब्रह्म नामक वस्तु काल के द्वारा परिच्छिन्नित नहीं होने के कारण, चार नंबर टिप्पणी में देखिए गत्वा ब्रह्म गमन पूर्वक दर्शन अभाववत काल अवच्छिन्नत्व है ना, ब्रह्म गमन पूर्वक दर्शक अभाववत, ब्रह्म न्यूट्रल जेंडर है, इसलिए ब्रह्म जो है जा करके देखने वाला वस्तु नहीं है, दूर देश में जा करके प्राप्त करने वाला ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म गमन पूर्वक दर्शन अभाववत अस्मा काल अवच्छिन्नता काल अनवच्छिन्नत्व काल के द्वारा परिच्छिन्नित नहीं होने का, मतलब टिप्पणी का भाव को बोलते हैं काल मतलब क्या हो गया, तीनों प्रकार परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्नता, देश परिच्छिन्नता, वस्तु परिच्छिन्नता, लोकांतर में जाने के लिए आपको समय भी चाहिए और लोकांतर देश परिच्छिन्नता भी चाहिए, परंतु ब्रह्म ऐसा वस्तु नहीं है, ठीक है, ये भी एक अनुमान दिया गत्वा इति ब्रह्म विपक्ष है गमन पूर्वक दर्शन अभाववत जा करके देखने वाले जो को वस्तु नहीं है वैसे वस्तु नहीं है वाला नहीं है वो यहाँ पे वाला न्यूट्रल जेंडर है अभी बांध नहीं हुआ मैस्कुलिन जेंडर होता तो बांध हो जाता भगवान होता बता रहे न्यूट्रल जेंडर है तो ब्रह्म गमन पूर्वक दर्शन अभाववत ब्रह्म दूसरे देश में जा करके दर्शन के योग को वस्तु नहीं है क्यों
काल अनावच्छिन्न काल मतलब देश अवच्छिन्न वस्तु बिल्कुल सीधे जगह हाँ हेतु हेतु गमन पूर्व का दर्शन अब योग योग शास्त्र। अब यहाँ पे अन्वय दृष्टान्त भी दे रहा है व्यतिरिक्त दृष्टान्त भी दे रहा है। अन्वय दृष्ट अन्वय आकाशवत जिस प्रकार आकाश को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं देशांतर में जाना नहीं पड़ता समझ में आया। ये अन्वय दृष्टान्त व्यतिरिक्त दृष्टान्त घटवत परिच्छिन्न वस्तु है दूर देश में जाकर के प्राप्त करते ठीक है। अन्वय आकाशाधिपत व्यतिरिक घटाधिपत प्रयोग इस प्रकार के अनुमान यहाँ पे समझ लेना चाहिए। एक के बाद ही मान लो कार्य हम यहाँ पे आकर के लास्ट एक के बाद एक अनुमान के ऊपर थोड़ा सा आपको एक ही प्रकार के है भिन्न कुछ नहीं है शैली कथन की शैली ऐसा हो जाता है क्योंकि उस वस्तु को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते। तो ब्रह्म गमन पूर्वक दर्शन अभाववत काल अवच्छिन्नत्वात् अन्वय आकाशाधिपत व्यतिरेक घटाधिपत इति प्रयोग अत्र विवक्षित इस प्रकार की अनुमान यहाँ पे समझ लेना चाहिए ठीक है। काल अवच्छिन्नत्वात् हम पांच नंबर टिप्पणी मतलब एक परिच्छेद त्रय शून्यता तीन प्रकार की परिच्छिन्नता होती है काल परिच्छिन्नता देश परिच्छिन्नता वस्तु परिच्छिन्नता तीनों प्रकार की परिच्छिन्नता से अभाव होने के कारण वहाँ जाने के लिए काल की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सप्तम ज्ञानम अनंतम सप्तम में कौन सा जड़ परिच्छिन्नता नहीं वस्तु परिच्छिन्नता सप्तम वस्तु मतलब काल परिच्छिन्नता नहीं त्रिकाल अबाधत्तम सत्यत्तम सत्यम। आप जो आपने जगत को आपने ब्रह्म को जगत को अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना उपादान कारण आप कहीं देखेंगे उपादान कारण परिच्छिन्न भी होते हैं और उपादान कारण जड़ भी होते हैं। किसी भी जगह पे आप उपादान कारण निमित्त कारण तो चेतन होगा परंतु जब मेटेरियल कॉज जो होता है वो क्या होता है वो परिच्छिन्न भी होता है और जड़ भी होता है। इसीलिए वो जड़ नहीं है इसको निषेध करने के लिए क्योंकि आपने तस्माद वायु तस्माद आत्मना का बोला उसी से उत्पन्न और उस ब्रह्म से तो ब्रह्म को जब आप उपादान कारण मान रहे हैं तो हमें जड़त्व तो प्राप्त हो रहा है तो जड़त्व को निषेध करने के लिए क्या बोलते हैं अनंत मतलब परिच्छिन्न तो प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि जो भी उपादान कारण होता है वो परिच्छिन्न होता है उसमें देश परिच्छिन्नता भी रहते हैं काल परिच्छिन्नता भी रहते हैं परंतु अनंत क्या बोलते हैं उसमें देश परिच्छिन्नता वस्तु परिच्छिन्नता काल परिच्छिन्नता सत सत्य के तरह बोल दिया सत्य उसमें देश परिच्छिन्नता वस्तु परिच्छिन्नता नहीं है ये ब्रह्म स्वरूप दर्शन है। तो ऐसा मान लोगे तो इस प्रकार के ब्रह्मों को प्राप्त करने के लिए कहीं गमनागमन की क्या आवश्यकता है यही को प्राप्त करना मतलब ज्ञान की गति रुचि उत्पन्न करने के लिए होता है नहीं था बिल्कुल सही बोला आपने महापुरुष लोग आनंद में परंतु ये है वर्तमान परिस्थिति में जो मन को इनिशियल जीवन शुरू जीवन में मन को शांत करने के लिए थोड़ा सा परिवेश जो है मदद करते हैं इसीलिए भावना करते हैं परिवेश हमेशा अनुकूल नहीं रहता जब तक स्वामी विवेकानंद का कथन है पर कभी भी घंटा बजा करके परिवेश परिस्थिति आपका अनुकूल होगा नहीं आपको अपने परिवेश परिस्थिति को अनुकूल बनाना पड़ेगा अपने बहुत स्ट्रॉन्ग उनका तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है ना ये कभी भी आपको घंटी बजा करके आके नहीं कहेगा कि इस समय जो है भगवान चिंतन की समय है और परिवेश परिस्थिति परिवेश और परिस्थिति सिचुएशन अंदर टाइम वो कभी भी आपको आके नहीं बोलेगा आपको अपने आप ही बनाना पड़ेगा अपने बनाना पड़ेगा आप देखिए आगे देखिए बोलते हैं नास्ति मिथ्यात्म या भ्रष्टम इसीलिए एक ही हो गया किंच जत देशस्थ स्वप्नं पश्यति प्रतिबुद्ध तस्मिन् देशे नास्ति इति मिथ्यात्म अभिष्टम ये और सूत्र मुझे बोल रहे हैं जत देशस्थ जिस देश में रह करके वो स्वप्न देखता है प्रतिबुद्ध जागने पर तस्मिन् देशे नास्ति जागने पर अपने को उस देश में नहीं मिलता ये भी मिथ्यात्म के लिए एक हेतु है अभी सामने तो मिथ्यात्म के लिए एक हेतु है। अभिप्राय क्या है अभी तक हमने शरीर में रह करके व्यवहार कर रहा था अब जो है यज्ञ प्रति आपके आत्मा के प्रति यज्ञ माया निद्रा खुल गया माया निद्रा खुलने के बाद मतलब स्वप्न से जग जाने के बाद आप जिस देश में जा कर के स्वप्न देख रहे थे वो आप स्वयं निश्चय करते हैं कि अरे मैं वहाँ नहीं हूँ मैं बस हमेशा यहीं पर रहा मैं हमेशा यहीं पर रहा वास्तविक मेरे स्वरूप में तो कभी परिच्छन तो आई नहीं आत्मा कभी भी मनुष्य नहीं बना वो तो बुद्धि ने बनाया वो इसलिए वो वस्तु मिलता है वो भी कोई मिलता है इसलिए छः नंबर टिप्पणी देखिए आराम से समझना क्या स्वप्न प्रपंच मिथ्या वस्तु भूषण स्वप्न मतलब स्वप्न से संबंध रखने वाला है ना स्वप्न प्रपंच मिथ्या
वस्तु भूत प्रपंच पर देशो अवृत्ति पुरुष दृष्टत्व के इसको थोड़ा समझिए। जो वो वस्तु वस्तुभूत प्रपंच वत जो वस्तुभूत प्रपंच है उस प्रपंच वाला देश से रहित पुरुष की तरह देखा जाना का सपने स्वप्न प्रपंच मिथ्या स्वप्न में दिखाई दे रहा है जो देश अथवा काल वो मिथ्या है क्योंकि जो देखने वाला पुरुष उस देश में अथवा उस काल में उस समय देख रहा है जिस समय देख उस समय वहाँ पे नहीं होने के कारण जिस समय वो देख रहे हैं और जिस देश को देख रहे हैं उस देश में वो निर्दिष्ट काल में नहीं होने रात में खा पी के सोता हूँ स्वप्न देख रहा हूँ दिन में रात में खा पी के बिस्तर में सोया हूँ और स्वप्न देख रहा हूँ मैं रास्ते में ठहर रहा हूँ उस देश में नहीं हुआ उस काल इसलिए बोलते हैं स्वप्न प्रपंच मिथ्या यहाँ विपक्ष हो गया स्वप्न प्रपंच मिथ्या हो गया शब्द वस्तु भूत प्रपंच मतलब बस जो जहाँ पे जो जो वस्तु है वो प्रपंच वाला ये बात मतलब हो गया वो प्रपंच वाला देशो अवृत्ति पुरुष दृष्टत्व उस प्रपंच में विद्यमान नहीं है उस पुरुष के द्वारा दिखाई देने के कारण पूरा एक पद है वस्तु भूत प्रपंच देश अवृत्ति पुरुष दृष्टत्व ये पूरा एक पद है मतलब वो वस्तु जिस देश में है उस देश में नहीं रहने वाला पुरुष के द्वारा देखे जाने के कारण ये तो क्या हो गया जिस देश में आपको वस्तु दिखाई दे रहा है उस देश में नहीं रहने वाला पुरुष के द्वारा दिखाई जाने के कारण सामने प्रपंच यही तो दृष्टांत बोल रहे हैं यही दृष्टांत बोल रहे हैं स्वप्न प्रपंच मिथ्या ये हो गया स्वप्न प्रपंच हो गया स्वप्न प्रपंच हो गया आपका पक्ष मिथ्या हो गया सत्य हेतु क्या है जिस देश में वो वस्तु विद्यमान है उस देश में नहीं जाने वाला पुरुष के द्वारा देखे जाने के कारण मिथ्या क्यों है जिस देश में वो पुरुष विद्यमान है उस देश वस्तु विद्यमान है ये शब्द का अंदर हेतु और दृष्टांत कौन सा नहीं नहीं वो केवल हेतु है वो आगे बोल रहा हूँ मैं पहले इसको तो देख लिए ये देश ये हो गया आपका हेतु वस्तु भूत प्रपंच देश अवृत्ति पुरुष दृष्टत्व अब देखिए हमें बोलते हैं कि जद वस्तु वस्तु भूत जद वस्तु मत देश अवृत्त पुरुष दृष्टम तद वस्तु मित व्यक्ति है यहाँ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिस वस्तु जिस देश में है उस देश में नहीं रहने वाला व्यक्ति के द्वारा यदि वो वस्तु देखा जाता है तो वस्तु मिथ्या होता है ये व्यक्ति हो गया यहाँ क्या बोला मैं जिस वस्तु जो वस्तु जिस स्थान में है उस देश में नहीं रहने वाला व्यक्ति के द्वारा यदि वो देखा जाता है तो उस व्यक्ति के दृष्टि से वो वस्तु मिथ्या होता है समझ में आया ये जो होता है कि जद वस्तु वस्तु भूत जद वस्तु मध्य यथार्थ वस्तु वाला जो देश है उस देश अवृत्त पुरुष दृष्टम वो उस देश में नहीं रहने वाला पुरुष के द्वारा देखा जाता है तद वस्तु मिथ्या वो वस्तु मिथ्या होती है वो वस्तु मिथ्या होती है ठीक है मिथ्या तृतीय मिथ्या प्रथम एक वचन है प्रथम एक वचन है मिथ्या यथा रजतवत देश अवृत्ति पुरुष दृष्टम सुक्ति रजतम चांदी देश में नहीं रहने वाला पुरुष यदि उस चांदी को दूसरी जगह देखते हैं तो वो चांदी मिथ्या होगा हटस्थ रजत को हटस्थ रजत जहाँ पे देखा हो मतलब दुकान में रहने वाला सच्चा रजत वो रजत देश में नहीं रहने वाला व्यक्ति यदि उस रजत को देखता है दुकान में जाकर के आपको रजत दिखाई दिया तो रजत सत्ता हुआ परंतु उस देश में नहीं जाते हुए भी यदि आप उस रजत को दूसरे कहीं पे दिखाई दे रहा है तो रजत मिथ्या देखिए टिप्पणी निकाल लो कितना सोचा इसको तब जाकर के टिप्पणी लिखा जा सकता टिप्पणी लिखने के लिए ये हम लोग पढ़ने के बाद समझना मुश्किल पड़ता है तो उसको कितना गहराई से सोचने के बाद ऐसे शब्द प्रयोग कर सकते हैं यथा रजतवत देश अवृत्ति पुरुष जिसे रजत वाला देश में नहीं जाते हुए पुरुष को देखा गया है जो सुक्ति का ऊपर रजत सुक्ति रजत मतलब सुक्ति का तो रजत रूप में दिख रहा है तब क्या हुआ वो मिथ्या होता है क्योंकि अनुमान मंत्र के ठीक है अब इसको कहाँ घटाना है ये तो बाहरी वस्तु समझ में आ जाएगा इसमें घटाना है अपने में बंधु मोक्ष में घटाओ इसको अभी बंधु मोक्ष में मतलब
अब क्या हो गया कि यथार्थ रूप में जहाँ पे जो वस्तु है वहाँ जा करके वहाँ नहीं पहुँचने से पहले आपको उसको दिखाई दिया तो वस्तु मिथ्या होगा, तो वस्तु मिथ्या होगा। इसी प्रकार आत्मा देश तक पहुँच नहीं पहुँच पर पहुँच करके शरीर को आत्मा समझ रहे थे वो मिथ्या होगा। मतलब रज्जु देश तक पहुंचने से पहले रज्जु का अपने सर्प समझ लिया था तो सर्प मिथ्या होता है। इसी प्रकार आत्मा शरीर का आत्मा बोल रहे हो, आत्मा की यथार्थ तो देश तक पहुंचने से पहले आपने जो शरीर को आत्मा समझ लिया था इसलिए शरीर मिथ्या। कितना सूक्ष्म वस्तु स्थिति है। इस श्लोक को अच्छी तरह से हारने की नहीं है, भगवान भाष्यकार पे एक शब्द लिखते हैं परंतु यहीं पर बैठ कर घटाना है वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए स्वप्न प्रपंच मिथ्या वस्तुभूत प्रपंचवत देश अवृत्त पुरुष दृष्टत्वा ये अनुमान देकर अभी यहाँ पे ये नहीं दिया, दृष्टांत तो नहीं दिया, पहले आपने अभी व्याप्ति दिखा रहे। व्याप्ति क्या होगा, जद वस्तु वस्तुभूत जद वस्तु मत देश अवृत्त पुरुष दृष्ट, जो वस्तु जिस देश में वो वस्तु है उस देश में नहीं रहने वाला पुरुष के द्वारा देखा जा रहा है। व्याप्ति मतलब सहचर्य नियम व्याप्ति, व्याप्ति मतलब दो वस्तु यदि एक साथ आपको रहने का जो नियम है उसको बोलते हैं व्याप्ति। व्याप्ति मतलब जहाँ धुआं है वहाँ गंध नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्टा तो है शॉर्ट में ना इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस ऑफ स्मॉल कॉन्कॉमिटेंस। हां ठीक है, अथवा मतलब हमने जैसा बोला कि जो वस्तु जिसको छोड़ करके कभी नहीं रह सकता है, मतलब जो धुआं धुआं कभी भी अग्नि को छोड़ करके नहीं रह सकते हैं, इसी को व्याप्ति बोलते हैं। आप देखिए ना संस्कृत में कुछ ऐसा शब्द है उसके लिए प्रॉपर इंग्लिश वर्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि संस्कृत में ही प्रयोग होता है ये। आप उसके लिए ठीक है व्याप्ति में साथ साथ देखा जाता है दोनों वस्तु। स्वामी विवेकानंद बोला है श्रद्धा का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं। हाँ श्रद्धा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा एक ऐसा मनोवृत्ति है उसका प्रॉपर इंग्लिश वर्ड मिलने मुश्किल है। वो अपने हम के समझ में आता है कि श्रद्धा क्या वस्तु होते हैं, जो उसका अनुमान कर सकते हैं। यहाँ पे वो नहीं है, मतलब ये दोनों साथ साथ हैं, सहचर्य नियम व्याप्ति, जैसे धुआं के साथ अग्नि की सहचर्य नियम वो उसमें यहाँ पे व्याप्त हो रहे हैं। और सामान्य व्याप्ति मतलब व्यापकता, वो व्यापकता मतलब यहाँ पे, इसलिए जिस दर्शन में जो शब्द को प्रयोग किया उसको उस रूप से समझना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। दो वस्तु को लेकर के बोलते हैं, मतलब हेतु और साधन में व्याप्ति होती है। यदि कोरिलेशन ये तो आप बोल सकते हैं, हेतु और साधन में व्याप्ति होता है, मतलब कहाँ दिखाई दिया आपको, जहाँ जहाँ मैंने धुआं देखा वहाँ वहाँ अन्य मिला, महालक्ष्मी जैसे रंधनशाला में, ये जो हेतु और साधन में व्याप्ति होते हैं मतलब सत सत रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जहाँ पे जो वस्तु है वहाँ पे नहीं पहुँचते हुए भी यदि कोई व्यक्ति को दिखाई देता है तो मिथ्या होता है, व्याप्ति है। इस वक्त अपना समय हो गया, क्या कर रहा हूँ आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमें समझने के लिए बहुत गहरा वस्तु था, यहाँ पे हारने से लाभ नहीं है। इसको विचार करने से हमारी अंतकरण शुद्ध भी होगा और समझ में भी आएगा धीरे धीरे। परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष अनुभूति इसी प्रकार से होता है, इसी को मनन बोलते हैं, है ना। परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष अनुभूति के लिए क्या चाहिए, मनन चाहिए। मनन क्या होगा, वस्तु चीज विचार करने क्या होना चाहिए, सामान्य अधिकारी के लिए तो मनन को मानना श्रवण के बाद मनन कुछ नहीं, निधिध्यासन वही निश्चित है, ज्ञान हो गया वही है, वो बाद में होगा नहीं है, निधिध्यासन वो सीखी है। आज तीसरा वाला होगा, नहीं दूसरा वाला, नहीं कल तो हम प्रज्ञा, कल पहले वाला किया था, तो ठीक है। प्रज्ञा वैशाख वेध क्षुभित जल निधे वेदानाम तरस्तम जननक्राहघोरे समुद्रे कारुण्याबुद्धधारामृतमिदमारे दुर्लभं भूतहेतो जस्तं पूज्याधिपूज्यं परमं गुरुं पादपातेर्नतोऽस्मि ओ
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।